आदिम जाति कल्याण गोवा के संयोजक परिहार बाबू 80,000 की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त के गिरफ्त में। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है शिवपुरी के आदिम जाति कल्याण विभाग से, जहां पर आदिम जाति कल्याण विभाग के संयोजक आरएस परिहार बाबू अवधेश शर्मा को लोकायुक्त पुलिस ने 80,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि संयोजक बाबू एक छात्रावास अधीक्षक से छात्रवृत्ति के लिए आने वाले रूपों में से 20% की राशि मांग रहे थे। इसकी शिकायत अधीक्षक ने लोकायुक्त पुलिस को की। शिकायत के बाद लोकायुक्त पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरएस परिहार और बाबू अवधेश शर्मा को पकड़ा है। जानकारी के अनुसार पोहरी में छात्रावास अधीक्षक हेमराज सहरिया ने लोकायुक्त में शिकायत की थी कि छात्रावास में हर महीने छात्रों की छात्रवृत्ति आती है या छात्रवृत्ति प्रत्येक विद्यार्थी के हिसाब से 1380 तक रुपए की आती है और इस बार जो बजट आया है वो करीबन 4 लाख का था, जिसमें संयोजक आरएस परिहार बाबू अवधेश शर्मा के द्वारा 20% का कमीशन मांगा गया। लोकायुक्त ने बताया कि पहले 10% कमीशन चलता था, लेकिन अब 20% की मांग की गई, तो छात्रावास अधीक्षक ने मामले की शिकायत लोकायुक्त में की, जिसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरएस परिहार बाबू अवधेश शर्मा को रिश्वत के रुपयों के साथ पकड़ा है। लोकायुक्त पुलिस ने बताया कि बाबू अवधेश शर्मा संयोजक आरएस परिहार दोनों के द्वारा रिश्वत की मांग की गई थी, इसलिए मामले में दोनों ही आरोपी हैं। मैं सर छात्रावास अधीक्षक हूँ। तो क्या हुआ है सर? ये शिष्यवृत्ति की राशि आती है बच्चों के खाने पीने की, उसमें से हमारे अधिकारी द्वारा और के बाबू के माध्यम से राशि मांगी जा रही थी और मैं देने में असमर्थ था सर। कितने पैसे मांगे जा रहे जी? 1,00,000 रुपए मांगे थे। 1,00,000? हाँ जी। किस एवज में? शिष्यवृत्ति के मद की 20% राशि। बीस परसेंट राशि जो अवधेश शर्मा जी ने, अवधेश शर्मा जी ने, हाँ उन्हीं को आपने आज दी? हाँ उन्हीं को दी। कितने रुपए दिए आपने आज? 80,000 रुपए दिए। हाँ कब से मांग रहे थे ये सर? करीब 2 महीने हो गए तब से मांग। पिछले साल हर साल मांगते हैं सर। इस बार आप क्यों नहीं दे पाए? इस बार सर उन्होंने परसेंटेज बढ़ा दी, इसलिए हम नहीं दे। पहले कितना देते थे आप? पहले सर 10% देते थे। हाँ किसी का आपने कब की थी लोकायुक्त में? सर हमने 9 तारीख में की थी। तो आज पैसा आप देने आए थे तो लुका इसको मतलब आपने इन्फॉर्मेशन दे के आए थे ना? जी जी उन्होंने मुझे बुलाया वहाँ, और वहाँ से कार्रवाई होती है लोकायुक्त की। कहाँ से आया? वहाँ ग्वालियर से लाते हैं। आप कहाँ पे पता है? मैं अनुसूचित जाति बालक छात्रावास पोहरी में। ये हेमराज सहरिया है जो छात्रावास अधीक्षक है पोहरी में। उन्होंने शिकायत की थी कि उनका जो छात्रावास में जो छात्रों की शिष्यावृत्ति आती है हर महीने प्रत्येक स्टूडेंट के हिसाब से 1380 रुपये की कुछ छात्रवृत्ति आती है, इसमें 4 लाख का उनका वो हो रहा था, उसका 20% की इन्होंने मांग की थी कि जो बजट आता है उसमें से 20% कमीशन के रूप में इन्होंने रिश्वत की मांग की थी, जो वहाँ के छात्रावास अधीक्षक हैं हेमराज सहरिया उनसे। किन्होंने मांग की थी ये मांग की थी? एक अवधेश शर्मा है और जो संचालक हैं राजेश परिहार, उनके द्वारा की गई थी। कितना दे दिया था इन्होंने? इन्होंने पहले चलता रहता था जो उनका जो 10% जो कमीशन लेते थे, इस बार उन्होंने 20% कमीशन की मांग की जो उनके ऊपर था, इसलिए उन्होंने यहाँ लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर में शिकायत की थी। सर दोनों को रंगे हाथों पकड़ा गया? हाँ जो उनके बाप मौके पर दोनों उपस्थित थे, और बाबू जो है उनका अवधेश शर्मा जो बाबू है उनके ने रिश्वत के ग्रहण की थी। हाँ उनकी भी शिकायत, दोनों आरोपी हैं, दोनों की शिकायत हुई है और दोनों पे कार्रवाई होगी। शिकायत दोनों की हुई है? हाँ दोनों ही आरोपी हैं। हाँ रंगे होना जरूरी नहीं, बाबू से हुई है लेकिन दोनों आरोपी हैं, दोनों के द्वारा डिमांड की गई। आपने जो पकड़ा है जी वो बाबू को पकड़ा है? दोनों को पकड़ा है, दोनों को मौके पकड़ा है। राशि बाबू से बरामद हुई। 1,00,000 रुपए की रिश्वत मांग की गई थी, जिसमें 80,000 रुपए की डिलीवरी हुई है।